हम इसमें पॉलिनोमल्स, कोई भी पॉलिनोमल को हम ऐसे लिखते हैं। देखो पी एक्स का मतलब क्या है, पी एक्स का मतलब है हम जो पॉलिनोमल लिखेंगे उसमें जो वेरिएबल होगा वो एक्स होगा। ओके, मैंने आपको अभी बताया कि कई सारे जो पॉलिनोमल टाइप ऑफ पॉलिनोमल्स है वो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक वेरिएबल हो सकता है या फिर मल्टी वेरिएबल्स हो सकते हैं, टाइप ऑफ डिफरेंट वेरिएबल हम क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलिनोमल, राइट। तो हम अभी जो जिस पॉलिनोमल की हम अभी स्टडी करने वाले हैं उस पॉलिनोमल में हम बेसिकली वन टाइप ऑफ वेरिएबल यूज करेंगे एट अ टाइम किसी एक पॉलिनोमल में। ओके, तो उस वेरिएबल को हम यहाँ मेंशन करते हैं इसके अंदर, ठीक है। हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम इसको लिख देते जी एक्स लिखे या फिर एफ एक्स लिखे, वो मैटर नहीं करता वो क्या है, या फिर आर एक्स लिख सकते हैं वो मैटर नहीं करता। मतलब हम इस किसी भी पॉलिनोमल को इन अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो पर्टिकुलर पॉलिनोमल एफ एक्स है। मैटर करता है ये वाला चीज कि आप जो पॉलिनोमल की बात करें उस पॉलिनोमल किस टाइप का वेरिएबल है, या फिर आपने लिख दिया कि यहाँ पर एफ वाई है, या फिर किसी ने लिखा उसको क्यू आर है, या फिर क्यू जेड है, ठीक है। मतलब आप यहां मेंशन करोगे कि जो पॉलिनोमल आप लिखने जा रहे हो उसमें कौन सा वेरिएबल आप यूज कर रहे हो। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 5x+1, ये एक पॉलिनोमल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे 3y² + y+1, ये मैंने एक पॉलिनोमल लिखा, या फिर आप 7z + 1, ये आपने एक और पॉलिनोमल लिखा। तो आप जो भी पॉलिनोमल लिखते हो उसमें वो वेरिएबल यूज करो जो यहाँ इंडिकेट किया गया है। ओके, अच्छा, अब ये तो हो गया पॉलिनोमल को लिखने का तरीका। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं ऐसे, जैसे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल को लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे ax² + bx + c। ओके, या फिर मैं लिखना चाहता हूँ जैसे टी वाई, मैं क्यूबिक पॉलिनोमल लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा ax³ + bx² + cx, ये y है तो y का वेरिएबल आएगा प्लस बी। ओके, अगर मैं लीनियर लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं z में लिखूंगा, z में लीनियर लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा az + b। ओके, ये हो गए उसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स। इस तरीके से हम पॉलिनोमल को रिप्रेजेंट करते हैं। बस आपको ये ए बी सी जो है उनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये जैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल देख लो, इसमें x² का कोफिशिएंट्स है a, x का कोफिशिएंट b, और c को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स है, उसमें कोई बदलाव कभी नहीं आएगा, वो फिक्स रहेगा, इसलिए हम उसे कॉन्स्टेंट बोलते हैं। और बाकी सब a और b को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे x² का कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे a, एक्स का कोफिशिएंट पूछा जाए तो b। इस तरीके से a, b, c ये सब कोफिशिएंट्स है। इसमें देखो a, b, c कोफिशिएंट्स है, b क्या है कांस्टेंट, क्योंकि उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो हम d को कांस्टेंट बोलेंगे। अभी इसमें देखो, इसमें कोफिशिएंट्स क्या है, a, z का कोफिशिएंट a, लेकिन इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कॉन्स्टेंट बोलेंगे। क्लियर ये? इसमें आपको एक और टर्म समझना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। ओके, अब जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्या है, पहले ये देखो, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एक ऐसा वैल्यू होता है, जैसे ये पॉलीनोमियल मैंने लिया पी एक्स इक्वल्स 5x + 1, ये मैंने एक पॉलिनोमल लिया। ओके, अभी जीरो ऑफ द पॉलिनोमल का मतलब एक ऐसा एक्स का वैल्यू, मतलब एक ऐसा एक्स का वैल्यू जिस वैल्यू को अगर मैं इस पॉलिनोमल में इस जगह पे डाल दूं, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमल इक्वल्स जीरो बन जाएगा, ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमल यहां मौजूद वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू होता है जिस वैल्यू को अगर हम इस पॉलिनोमल में पुट कर दे, वो वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमल को जीरो बना दे। ओके, अच्छा, वो वैल्यू पता लगाने का तरीका भी है, मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको एज्यूम कर लूं कि मुझे इसको जीरो बनाना है, मुझे इसको जीरो बनाना है और
उसके लिए मुझे इस एक्स में क्या वैल्यू फाइंड करना है इसका पता लगाना। तो इसका पता लगाने का तरीका है, ये जीरो है, मैं वन को उधर भेजता हूँ, फाइव एक्स, वन उधर जाएगा तो माइनस वन, देन फाइव आप उधर भेज दो, एक्स इक्वल्स माइनस वन बाय फाइव, हमें क्या मिला माइनस वन बाय फाइव। तो मैं यहाँ चेक करता हूँ कि सचमुच में ये जीरो आता रहे कि नहीं। ओके, सो फाइव एक्स के जगह पर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, माइनस वन बाय फाइव प्लस वन, ये फाइव और फाइव कैंसिल, यहाँ माइनस वन वहां पे प्लस वन, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो प्लस वन एंड माइनस वन कैलकुलेट करोगे तो जीरो। तो यहाँ पे हमें एक एक्स का ऐसा एक वैल्यू मिल गया जिसको यहाँ पे पुट करने पर हमें पॉलिनोमियल इक्वल जीरो मिल गया। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक ऐसा वेरिएबल का वैल्यू होता है जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने से पूरा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो बन जाता है। ओके, जैसे आपको इसके बेसिस पे कई सारे सवाल आते हैं, जैसे पॉलिनोमियल आपको दिया जाता है 3x माइनस वन और माइनस सेवन, ठीक है, आपको ऐसा वैल्यू दिया गया है। अभी यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए कि 1 बाई सेवन, माइनस टू बाई, माइनस थ्री बाई सेवन या फिर 3 बाई सेवन। ये कुछ वैल्यूज है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस देख के बोल रहे हैं कि इनमें से इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करके निकालना है सही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा। तो मैं इसको लेता हूं इफ इफ, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस वेरिएबल में मुझे ये पुट करना है तो मैं इसकी जगह लिखूंगा वन बाई सेवन। जैसी मैं इसकी जगह पर वैल्यू पुट करूंगा वैसे ही इस वेरिएबल पे भी मुझे वही सेम वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ओके, अगर आपने इसमें चेंजेस किया, यहां पर जो सेम वेरिएबल उसमें भी उसी तरीके का चेंजेस आपको करना पड़ेगा। ओके, तो हमें यहां पर मिलेगा 3 बाई सेवन माइनस सेवन, तो ये किसी भी तरीके से हमें जीरो नहीं मिलेगा। 3 माइनस 49 इक्वल्स माइनस 46 बाई सेवन विच इज नॉट इक्वल जीरो, देयरफॉर मैं बोलूंगा 1 बाई सेवन इज नॉट द जीरो ऑफ पी एक्स। मैं पॉलिनोमियल भी लिख सकता हूं इसे पॉलिनोमियल, और मैं सिंपली पी एक्स भी लिख सकता हूं क्योंकि उसी पॉलिनोमियल को मैंने पी एक्स से रिप्रेजेंट किया है, तो मैं पॉलिनोमियल वर्ड नहीं लिख के पी एक्स भी लिख सकता हूं। तो फिलहाल ये तो नहीं। ओके, देन मैं सेकंड ट्राई, सेकेंड है माइनस सेवन बाई थ्री, तो मैं अब इस वैल्यू को यहाँ पे इस एक्स की जगह जो वैल्यू पुट किया उसी एक्स की जगह सेम वैल्यू मुझे पुट करना पड़ेगा माइनस सेवन बाई थ्री, देन माइनस थ्री भी कैंसिल हो गया, माइनस सेवन मुझे माइनस फोर्टीन मिल रहे विच इज अगेन नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर दिस माइनस सेवन बाई थ्री इज ऑल्सो नॉट जीरो ऑफ पी एक्स, पी एक्स का जीरो नहीं है। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम थर्ड वैल्यू को भी चेक करेंगे। थर्ड वैल्यू को हम चेक करते हैं, पी सेवन बाई थ्री इक्वल थ्री इंटू, अब इस एक्स की जगह पर वही वैल्यू डालेंगे जो मैंने इसकी जगह पर लिखा, तो हम लिखेंगे सेवन बाई थ्री माइनस सेवन, थ्री थ्री कैंसिल, सेवन माइनस सेवन, तो हमें यहां जीरो मिला, तो हम लिखेंगे देयरफॉर सेवन बाई थ्री इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर। अच्छा, तो ये एक सवाल हो गया कि आपको पॉलिनोमियल दिया गया है और आपको कई सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं और सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं। हाँ, मैं नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप समझ जाओ। जैसे नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड करता है डिग्री, ठीक है। अगर सपोज मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला 2x square plus 3x plus 1, मेरे को ये मिला,
ठीक है, अभी इसमें कितने जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल आएंगे ये डिपेंड करता है इसके डिग्री पे, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल ये डिग्री पे बेस्ड होते हैं हमेशा, जितने डिग्रीज होंगे उसमें उतने जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल आएंगे, मतलब आपको एक्स के ऐसे दो वैल्यू मिलेंगे जिन वैल्यूज को अगर आप इन एक्स की जगह पे वन बाय वन पुट करो, पहले आपने एक पुट किया, आप सॉल्व किया, आपको इक्वल जीरो मिल जाएगा, फिर आपने दूसरा वैल्यू लिया उसको भी आपने पुट करके चेक किया, आपको उससे भी जीरो मिलेगा, मतलब दोनों के दोनों वैल्यू आप अप्लाई करोगे तो आपको दोनों से भी जीरो जीरो मिलेगा। ओके ये रही बात, तो मैं चेक करता हूँ इसको, मैं इसे सॉल्व करके देखता हूँ, जैसे मैं अगर इसे सॉल्व करूं, मिडल द फैक्टराइजेशन जानते हो, मिडल द फैक्टराइजेशन का रूल है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम कॉन्स्टेंट टर्म के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, टू वन से क्या मिलेगा हमें टू, अच्छा टू को अगर फैक्टराइज करो तो मेरे को क्या मिलेगा 182, राइट। अच्छा अब मुझे इन दोनों फैक्टर को कुछ ऐसा करना है कि मिडिल वाला टर्म बने, ओके, बाय यूजिंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन आउट ऑफ दिस कुछ भी, तो क्या बनेगा, क्या करने से मुझे 3 मिलेगा, प्लस करने से मिलेगा, तो मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस, इसकी जगह हम लिखेंगे 2 प्लस 1, वेरिएबल बाहर है तो x प्लस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस, अब इस x से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो 2x प्लस 1x प्लस 1, अब यहां से कॉमन लो 2x कॉमन जाता है, तो 2x स्क्वायर से 2x कॉमन लेने से हमें x मिलेगा, 2x से 2x कॉमन जाने से 1 मिलेगा, यहां से आप 1 कॉमन ले लो x प्लस 1, तो आपने मिडिल टर्म किया ऑलरेडी, आपको कोई डाउट है मिडिल टर्म में, तो मिडिल टर्म में हमें यहां पर ये दो चीज सेम मिल रहा है एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस वन, और ये टू एक्स प्लस वन ये हमें दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा। ओके क्लियर है, तो हमें यहां पर दो फैक्टर मिल गए। अच्छा अब मुझे जीरो दो का पॉलीनोमियल चाहिए, मैंने कहा था कि अगर डिग्री टू हो तो हमें दो एक्स के वैल्यू मिलेंगे, देखो कैसे मिलेंगे, आइदर दिस पार्ट इक्वल जीरो, सो इंप्लाइज दैट आप प्लस वन को उधर भेज दो सो माइनस वन, और दिस पार्ट सेकेंड पार्ट इज इक्वल जीरो, सो इंप्लाइज दैट टू एक्स इक्वल्स प्लस वन को मैं उधर ले जाता हूं माइनस वन, ओके उसके बाद इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स माइनस वन, ये टू को मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिला माइनस वन बाई टू, तो मुझे दो एक्स का वैल्यू मिला, तो क्वाड्रेटिक है तो एक्स का वैल्यू मिला। चलो हम चेक करके देखते हैं कि सचमुच में जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल का मतलब एक्स का वो वैल्यू होता है जो वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो हमें पॉलीनोमियल जीरो मिल जाएगा, तो हम चेक करते हैं कि सचमुच में ये जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है कि नहीं। ओके तो हमारे पास दो वैल्यू आ रहे हैं, एक वैल्यू माइनस वन आ रहे हैं एंड दूसरा वैल्यू माइनस वन बाय टू, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम दोनों ऑप्शंस वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं माइनस वन, अगर हमने इसमें माइनस वन डाला दिस, हमने जहां जहां पे एक्स था हमने वहां वहां माइनस वन डाल दिया, क्योंकि इधर का x अगर माइनस वन से रिप्लेस हुआ तो यहां पे जो मौजूद x है उनमें भी माइनस वन आ जाएगा। ओके सो टू माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है वन, प्लस थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री एंड प्लस एंड टू वन जो टू एंड माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, सो दिस माइनस दिस सेम। ओके so therefore minus 1 is a zero of the of px, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे minus 1 zero है, क्योंकि zero मतलब minus 1 इस polynomial में डालते ही ये पूरा polynomial zero बन गया। ओके अभी हम next value से try, next value minus 1 by 2 इंटू एक्स में हम माइनस वन बाई टू डालेंगे स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स में भी हम सेम वैल्यू डालेंगे माइनस वन बाई टू एन प्लस वन। ओके तो अभी माइनस ये मैं टू कॉपी कर लेता हूं, माइनस वन का स्क्वायर कितना होगा प्लस वन, माइनस वन का अगर हम स्क्वायर करेंगे प्लस वन, टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर प्लस, यहां मल्टीप्लाई करते हैं प्लस एंड माइनस का,
माइनस थ्री वन सा थ्री बाई टू, ठीक है। इसे हम नीचे तो नहीं करेंगे ना मल्टीप्लाई, क्योंकि ये न्यूमरेटर है, इसके नीचे वन है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर में करना चाहिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में करना चाहिए। तो डिनोमिनेटर वन है तो वन टू द टू, ओके, एंड देन प्लस, ठीक है। इसमें हम कैंसिलेशन करेंगे तो हमें ऊपर वन नीचे टू मिलेगा, वन मतलब वन नीचे टू, एंड प्लस वन को मैं यहां लेके आता हूं प्लस वन, देन माइनस थ्री बाई टू, ओके। अच्छा, अब इस पार्ट को हम प्लस करते हैं, ठीक है, मैं आपको यहां प्लस करके दिखाता हूं। सो प्लस वन, आप एलसीएम टू लोगे तो यहाँ वन, यहाँ पे टू, सो आपको थ्री बाई टू मिलेगा, ओके। सो आपको यहाँ पर थ्री बाई टू एंड देन माइनस थ्री बाई टू, ओके। सो थ्री बाई टू से माइनस थ्री बाई टू अगर करेंगे तो हमें जीरो, राइट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, हमने क्या वैल्यू यूज किया, माइनस वन बाई टू यूज किया, हम लिखेंगे देयरफॉर दिस इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, ओके। तो इस तरीके से कुछ कुछ ऐसे पॉलिनोमियल है जिनमें दो जीरोस निकलेंगे, कुछ कुछ पॉलिनोमियल ऐसे हैं जिनमें तीन जीरोस निकलेंगे, तो ये सारे नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं उनके डिग्रीज। तो आपको ऐसे सवाल दिए जा सकते हैं कि आपको कई सारे पॉलिनोमियल्स दे दिया और आपसे सवाल पूछेगा कि उसमें कितने जीरोस है, तो आप उसका पावर चेक करो और फिर बता दो, राइट, क्लियर। पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का एक और क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया है और इस पॉलिनोमियल को देखकर आपसे पूछा जाता है कि देन आप फाइंड करो ये सारे वैल्यूज, आपको पी एक्स का वैल्यू दिया गया है और आपसे पूछा जाता है पी जीरो क्या होगा, पी माइनस वन क्या होगा, एंड पी हाफ क्या होगा, ठीक है, पी माइनस हाफ क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यहां पर पी एक्स है 2x square plus 1 by 3x minus 7, ये पी एक्स हमें निकालना पी जीरो, तो therefore हम निकालेंगे पी जीरो, पी जीरो मतलब जैसे ही मैंने इस x की जगह वैल्यू पुट किया मुझे इन जीरो पे, मतलब यहां पर भी जो x है इनमें भी मुझे वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, ओके लेडीज। तो हम अभी सॉल्व करते हैं, अब जीरो का स्क्वायर कितने होते हैं, जीरो, जीरो इंटू टू कितने होते हैं, जीरो, 1 बाई थ्री इंटू जीरो कितने होते हैं, जीरो माइनस, मतलब आपको आंसर मिला दिस, ओके क्लियर। अब से नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है पी माइनस वन, मतलब आपको पॉलिनोमियल में x की जगह पर हमें माइनस वन पुट करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 2 x की जगह पर माइनस वन स्क्वायर प्लस 1 बाई थ्री माइनस वन माइनस सेवन, ओके। हम इसे सॉल्व करते हैं, माइनस वन का स्क्वायर होता है वन, प्लस माइनस माइनस वन बाई थ्री इंटू वन, वन बाई थ्री माइनस सेवन, अब टू वन सर टू ही होते हैं, टू और माइनस सेवन को मैं कैलकुलेट कर देता हूं, या फिर मैं पूरा एक साथ एलसीएम भी ले सकता हूं, थ्री हमने एलसीएम लिया, यहां पे सिक्स हो जाएगा माइनस वन माइनस फ्रैक्शन को हमने प्लस कर लिया, तो आप यहां कैलकुलेट कर लो माइनस वन और माइनस ट्वेंटी वन कितने होते, माइनस ट्वेंटी टू होते हैं बाई थ्री, एंड सिक्स और ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें माइनस करना पड़ेगा, सिक्स में तो प्लस साइन है, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में माइनस साइन है, लेस साइन ऑफ से माइनस करते हैं तो माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, सिक्सटीन विद साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड डिवाइडेड बाय थ्री, तो अभी ये वैल्यू मिला, ओके। नेक्स्ट हम वैल्यू निकालते हैं माइनस हाफ, ओके माइनस हाफ, तो अगर मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूं माइनस हाफ स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री, यहां पे हाफ माइनस, ओके, तो टू इन टू माइनस वन का स्क्वायर होता है वन एंड टू का स्क्वायर होता है फोर, प्लस ओ प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, वन वन जा वन, थ्री टू जा सिक्स माइनस सेवन, ओके। तो यहां कैंसिलेशन कर सकते हैं, ऊपर वन नीचे टू, तो आपको वन बाई टू मिलेगा, वन बाई सिक्स मिलेगा एंड सेवन, ओके। हम अब इसको एलसीएम कर लेते हैं, फ्रैक्शंस आप जैसे प्लस माइनस करते हो वैसे हम इसे एलसीएम कर लेते हैं,
सो हमें यहाँ पर एलसीएम मिलेगा 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 से 6 को डिवाइड करते हो तो आपको 3 मिलता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ फ्रैक्शन प्लस माइनस करना बताया था, डिनोमिनेटर से अगर आप एलसीएम को डिवाइड करते हो तो आपको 3 मिलेगा, उस 3 को हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया तो 1 मिलेगा, 1 को आप ऊपर वाले 1 में मल्टीप्लाई करो 1 माइनस, इसके नीचे 1 है, 1 से आप अगर इसे डिवाइड करते हो तो आपको 6 मिलेगा, 1 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो 6 मिलेगा, एंड 6 सेवन इज 42। ओके, तो इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलेगा 2 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 6, इन दोनों को कैलकुलेट करते हो तो माइनस 40 बाय 6। अब आप आगे भी कैंसिलेशन कर सकते हो तो आपको मिलेगा ऊपर 20 और नीचे 3, आंसर इज माइनस 25। ओके, तो ये होगा एक टाइप का सवाल कि आपको ये दिया गया है और फिर आपसे ये सवाल पूछा गया। ओके, क्लियर है? अच्छा, अभी इन्हीं से रिलेटेड एक और चीज, यही सवाल डिफरेंट वे में भी पूछा जा सकता है। वो सवाल है, आपको ये 01 नहीं देके आपसे सवाल पूछेगा कि रिमाइंडर, हम जो ये वैल्यू निकालते हैं, ये जो वैल्यू निकालते हैं इसे हम रिमाइंडर भी बोलते हैं। ठीक है, टॉपिक में आपको आगे और अच्छी तरह से समझाऊंगा, अगर डायरेक्टली मैं अभी बोला तो आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब ये कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो किसी किसी क्वेश्चन में आपको तो पूछा जाता है फाइंड द रिमाइंडर। जैसे सपोज मेरे को सवाल पूछा कि यही सवाल कि भाई इसको अगर मैं एक्स प्लस 1 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या रिमाइंडर मिलेगा, ये एक पॉलीनोमियल है, इस पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से मुझे डिवाइड करना है तो मुझे रिमाइंडर चाहिए, तो फिर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो अगर ये x का वैल्यू 1, x प्लस 1 0 है तो इससे पहले मैं एक बार x का वैल्यू फाइंड कर लूं, x की वैल्यू कितनी है, प्लस 1 को आप उधर ले जाओ तो हमें क्या मिलता है, माइनस 1, x का वैल्यू हमें क्या मिला, माइनस 1, हमने यहाँ सॉल्व किया था माइनस 1, राइट। तो ये माइनस 1 हम यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसी को रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, ये रिमाइंडर वाला टॉपिक मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, अभी हम यहाँ पर समझते हैं।